और देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम देश को क्या दे सकते हैं? कुछ भी दे देंगे वो कम ही रहेगा। जय हिंद। कुछ दिनों पहले एक घटना हुई बालासोर में, जिसमें 288 पीपल डेड, बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं। हम सिर्फ ये देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में उस परिवार पे गुजरती है, दैट कांट बी एक्सप्लेन्ड। दिस इज समथिंग विच यू कांट टेल पीपल हाउ दे आर फीलिंग। मैं 2-3 दिनों से देख रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और मैं जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूँगा ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो मेरे पास पूरी लिस्ट आई, फिर हमने जितने लोगों के यहाँ पे उनकी जान गई है उनकी लिस्ट को तैयार किया, उनके नंबर्स पे कॉन्टेक्ट किया, और ज़्यादातर लोग गाँव से हैं, रूरल एरियाज से हैं। तो वहाँ पे वहाँ के बच्चों में आपको एक जुझारूपन दिखेगा, वो एक लगन दिखेगी फ़ौज के लिए। और ये चीज़ वास्तविकता में तब बदली जब कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे हुए हमारे, जहाँ पे उनके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं फ़ौज के। लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनको सोल्जर एंट्री हो या ऑफिसर्स एंट्री हो, जिस एंट्री के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहेंगे, रिटर्न से लेकर इंटरव्यू तक हम लोग पूरी मदद करेंगे निःशुल्क। दूसरी बात ये, अगर उनके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आती है और उनके पास उतना फंड कलेक्ट नहीं हो पाता, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो फंड वहाँ तक पहुँचे और उनका वो मेडिकल हो सके और अपना सपना पूरा कर सके। ये हमारी एक अनाउंसमेंट है जो मैं पब्लिक डोमेन में पूरे विश्वास के साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी अनाउंसमेंट किए हैं पिछले 4 सालों में, उस पर आज भी मेरी टीम काम कर रही है और हमने बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट दिए हैं। तो ये एक फ़र्ज़ है हर एक हिंदुस्तानी का। मैं अपने लेवल पर जो कर सकता हूँ, जितना सक्षम हूँ मैं, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों से उम्मीद है कि आप भी समझिए देश को आपकी ज़रूरत है, और देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम देश को क्या दे सकते हैं? कुछ भी दे देंगे वो कभी नहीं।